और भोले बाबा जैसा कोई देवता, इसलिए इनको देव नहीं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये देवों के भी देव हैं, लोग इन्हें कहते महादेव हैं। अच्छा भोले बाबा महादेव क्यों, समझो, भोले बाबा महादेव इसलिए हैं क्योंकि संसार में जितने भी उपद्रवी हैं सब इनके चेला। हाँ हाँ, रावण किसका चेला, भोले बाबा का। भूत प्रीत किसके साथ ही, भोले बाबा के। बिच्छू सांप की के अंग में, जहर को पिया। अब बताओ ऐसो कौन देवता देखो तुमने, आए लो। समुद्र मंथन की कथा हमने पढ़ी है कि जब समुद्र मंथन हुआ और जब विष निकला जहर, अभी आएगी कथा आज, तो जब विष निकला जहर, भयंकर हलाहल विष, देवताओं ने कहा कि इसे किसे पिलाया जाए। ब्रह्मा जी से कहा कि तुम पियो, बुढ़ापो आगो तुम आओ, सफेद डांडी हो गई, पी लो। ब्रह्मा जी बोले अगर हमने पी लो कहूं टबक गए तो पर सृष्टि कौन बनाएगा, इसलिए हमें छोड़ो। जब ब्रह्मा जी ने नहीं पिया तो कहा विष्णु भगवान से, आप पियो, विष्णु भगवान आप बड़े हो, सबके मुखिया हो, आप पियो। विष्णु भगवान बोले थे तो ब्याह लो नहीं भावा, कछु देर बाद लक्ष्मी जी प्रकट होने, फिर होने बेबाए, हमें ना पिलाओ को वो और देखो। देवता बोले पिबाए किया, कोने में बैठे थे हमारे अपने भोले बाबा, कोने में आंखें मीचे, सब जन ने भगवान विष्णु भगवान से कही ए नहीं पकड़ो, पहुंच गए सरकार, हे भोलेनाथ आपके जैसा तो कोई दूसरा देवता ही नहीं है, इसलिए आप देव नहीं महादेव। बोले बाबा समझ गए, बोले मस्करी मत मारो, सीधो सीधो बताओ का करने। देवता बोले सरकार विष निकलो, विष पॉइजन जहर। बोले बाबा बोले सो क्या करें, पी जाओ। भोले बाबा बोले हम ही मिले। ब्रह्मा जी की तरफ देख के बोले तुम्हारा तो बुढ़ापा, तुमने कह नहीं डकार हुआ, हम क्यों चुप है। ब्रह्मा जी बोले अबे हमें सृष्टि बहुत बनानी है। शंकर जी बोले मतलब हमारा कोई काम नहीं है, इसीलिए हमें पिला। नहीं नहीं नहीं, आप तो पचा सकते, आप देव नहीं महादेव हो, ठीक है लिया। भूत भावन महादेव ने विष लिया और पीने की कला देखना, रा कहा मुंह खोला, विष को पूरा मुख में डाला, मां कहा मुंह को बंद कर लिया, पीना चाहते थे पर सोचा हृदय में राम जी बैठे हैं वो जल जाएंगे और बाहर अगर निकालेंगे तो पृथ्वी जल जाएगी, अब करें क्या, भीतर ले नहीं जा सकते बाहर निकाल नहीं सकते, तो कंठ में ही धारण कर लिया, नील कंठेश्वर हो गए। इसलिए आपका एक नाम हो गया नीलकंठेश्वर, बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की। कंठ तक भगवान भोले बाबा ले गए मुख से अंदर और पान कर लिया, कंठ में रख लिया, ना नीचे ले गए ना ऊपर। अब देखो बिस्की पीने की कला भी बड़ी अद्भुत, राम कहकर के पान किया, बुरा मत मानना, मानो भोले बाबा कहना चाहते हैं कि जो राम कह करके जहर को भी पी जाता है उस जहर को पीने से भी सम्मान बढ़ जाता है। आहा, इसलिए भोले बाबा देव नहीं कौन है, अब इनकी कलाएं देखना। एक बार सांप बिच्छू आ गए भोले बाबा, बोले सरकार हमारी तो बड़ी दुर्दशा है। भोले बाबा बोले क्या हुआ, सांप बोले सरकार हमें जो कौ देख ले जो लठ मार के मौत तोड़ दे, कृपा करो। बोले बाबा बोले और तो कोई सीट खाली नहीं है, एक काम करो हमारे गले में आ जाओ, आज से हमारे साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। बिच्छू पहुंच गए, बिच्छी महाराज हमारी भोले बाबा बड़ी दुर्दशा है। भोले बाबा बोले क्या हुआ, बोले जो कोई हमको देखता है डंक भर तोड़ देता है, बढ़िया पद। भोले बाबा बोले चिंता मत करो तुम भी आओ, कानों में कुंडल बना करके पहन लिया, आज से तुम भी पूजे जाओगे। एक बार भूत प्रीत पहुंच गए, सांप भूत प्रीत पिशाच सांकनी डाकनी चुड़ैल भैरवासन जिंदा दादी पहुंच गए सरकार। बोले बाबा हाँ बोलो, हम बड़े हैरान, क्यों जिसके घर में प्रवेश कर जाओ
वही जो है छू मंत्र मंत्र लगवा के हमें बोतल में बंद करवा कर गड़वा देता है, और कहीं अगर बागेश्वर धाम पे फंस जाओ तो मार चमीटा लाल कर दिया जाता है। भोले बाबा बोले तो क्या रहे क्या, अब आप ही कोई उपाय बताओ। भोले बाबा बोले हमारे नहीं है कोई रिश्तेदार, तुम रिश्तेदार बनोगे। भूत प्रीत बोले आपको रिश्तेदार बन में मिल जाए क्या कहना। और किसी ने कुछ बना लिया किसी ने कुछ, भोले बाबा ने भूत प्रीतों को अपना परिवारजन बना लिया। हाँ, आप जब शिवपुराण पढ़ोगे उसमें वर्णन आया कि पंडित जी ने पूछा बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। शंकर जी बोले हम ही सबके पिताजी आए, अब हम पिताजी को नाम का बता दें। हमारे कोई पिताजी, अरे कोई तो होगा खानदान में। भोले बाबा बोले खानदान में तो हैं, उन्हें बुलाओ। भोले बाबा बोले मत बुलाओ वरना भावर रुक जाएगी। पंडित जी बोले नहीं नहीं बुलाओ बुलाओ बुलाओ। भावर पड़ रही थी, भावर के मध्य में ही भोले बाबा ने इशारों करो नंदी बुलाओ अपने रिश्तेदार न। अब भोले बाबा को परिवार कौन, भूत प्रीत पिशाच, और वो भी एक वेराइटी वेराइटी के नहीं अनेक वेराइटी। कौनों के चार चार मुंह हैं, किसी की चार चार आंखें, किसी के हाथ मुंह कुछ है ही नहीं है, ड्राम जैसा लड़का तारा है। एक भाई साहब तो बड़े गजब के हाथ ही हाथ निकले, पांव है ही नहीं है, गेंद जैसी लड़का जा रहे। जब सब आ गए पंडित जी को शरीर कपन लगो, ब्राह्मण जो आचार्य बने थे बोले जो का है। शंकर जी बोले हमारे खानदान के हैं। पंडित जी बोले अब रंदो, अब हम समझ गए कि आपको कितना ऊंचो खानदान है, इनकी जरूरत ही नहीं है। बोले हम तो पहले ही कह रहे थे कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। भोले बाबा महादेव क्यों है जरा देखना, भोले बाबा के गले में क्या है, सांप। भोले बाबा का एक पुत्र है जिनका नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय का वाहन क्या है, मोर। मोर किसका भोजन करती है, सांप का। पर धन्य है भोले बाबा, दोनों को एक ही घाट में पानी पिलाते हैं, इसलिए ये महादेव है। भोले बाबा के गले में क्या है, सांप। बाबा का एक और पुत्र है जिनका नाम है गणेश जी। गणेश जी का वाहन क्या है, चूहा। चूहा का भोजन कौन करता है, सांप। पर धन्य है भोले बाबा, दोनों एक ही घाट पर पानी पीते हैं, यही भोले बाबा महादेव है। अब और समझो, भोले बाबा का वाहन क्या है, नंदी। माता पार्वती का वाहन क्या है, शेर। शेर और नंदी में कितनी दोस्ती है, दोनों एक दूसरे को देख लें घुड़क का मार दें नंदी दौड़ तो नजर आवे। पर धन्य है भोले बाबा, दोनों एक ही घाट पर पानी पीते हैं, यही भोले बाबा महादेव है। आहा, भोले बाबा के कंठ में क्या है, विष। मस्तक पर क्या है, गंगा। गंगा विष, विष में जब गंगा मिलती है या गंगा में विष मिलता है तो विष का प्रभाव कम हो जाता है। पर धन्य है भोले बाबा, दोनों एक ही जगह रहते हैं, यही महादेव है।